नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जिन्होंने SSC GD कांस्टेबल 2018 का PET/PST टेस्ट दे रखा है और उनके लिए उसके रिजल्ट का इंतजार था। तो दोस्तों, PET/PST SSC GD कांस्टेबल 2018 का रिजल्ट आ चुका है और आपकी जो अगला मेडिकल होगा उसकी भी डेट SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। ये जो दोस्तों वैकेंसीज थी, ये करीब 54,000 वैकेंसीज थी जिनकी डिटेल मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज थी वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में थी जिसके अंदर CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, AR आसाम राइफल, CRPF, SSB सशस्त्र सीमा बल, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसमें दोस्तों जो है ये वैकेंसीज निकली हुई थी। इसके बाद में दिल्ली पुलिस भी थी और भी अदर फोर्सेस थी। तो इस वीडियो के जो थंबनेल है इसमें मैं सभी का नाम नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ मेन फोर्सेज के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी जो मेडिकल की एग्ज़ाम की जो डेट होगी, डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम जिसको DME बोलते हैं हम, उसकी जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं आपके लिए बताऊंगा आगे की वीडियो में कि वो डेट कब होगी और कब होने का उसका मेडिकल आपका कैसा होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे दोस्तों इस मेडिकल की जो डिटेल है वो सभी युवाओं तक पहुंच सके और टाइम से जो बंदे हैं मेडिकल एग्जाम्स के लिए जो PET/PST टेस्ट में पास हुए हैं वो इस मेडिकल में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिखाई देगा 4 मार्च 2020 को 9:04 पर ये जो है वो रिजल्ट अपलोड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018, डिक्लेरेशन ऑफ एडिशनल रिजल्ट फॉर अपेयरिंग इन दी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, SSC की वेबसाइट पर ये जो लेटेस्ट न्यूज़ में है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हम पहुँच जाएंगे दोस्तों इस लिस्ट पर, इस नोटिस पर जहाँ पर इन्होंने इसके बारे में फुल डिटेल दी है। और दोस्तों, यही चीज़ मैं आपके लिए सरकारी रिजल्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे मैं इस वीडियो में आपके लिए sarkaririzult.com और SSC की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पे ही ये प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ कि इसके जो SSC GD कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए PET/PST का रिजल्ट आ चुका है और आपके मेडिकल डेट क्या होगी वो भी मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो sarkaririzult.com की जो वेबसाइट पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रिजल्ट में SSC GD कांस्टेबल 2018 एडिशनल रिजल्ट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बता देना चाहता हूँ, नेम ऑफ पोस्ट है SSC GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018, PET/PST एडिशनल रिजल्ट 2019। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट अपडेट की गई है जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मार्च 2020 के लिए 9:01 पर रात के लिए ये जो पोस्ट अपलोड की गई है। तो आप देखेंगे इस वीडियो की जो होगी वो आपके लिए पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगी, ये वीडियो सबसे पहले मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC आर अपलोडेड दिस SSC रिजल्ट PET/PST फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी इन दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA एंड अदर वेरियस फोर्सेज। दोज कैंडिडेट्स आर अपियर्ड इन दी PET/PST एग्जामिनेशन कैन चेक द क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट 2019। उसके बाद में आपके लिए कुछ यहाँ पर डिटेल में और बता देते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज थी दोस्तों वो थी टोटल वैकेंसीज 54,953 वैकेंसीज। तो 54,953 वैकेंसीज थी यहाँ पर, और ये जो वैकेंसीज थी वो आपके लिए फोर्स वाइज में बता देता हूँ। BSF में मेल के लिए 2,351 और फीमेल के लिए 412, SC के लिए, चलो मैं टोटल बताता हूँ आपके लिए, BSF में टोटल थी मेल के लिए 14,436, फीमेल के लिए 2,548। इसी तरह से CRPF CISF में मेल के लिए 180 और फीमेल के लिए 20,
सीआरपीएफ में मेल के लिए 19,972 और फीमेल के लिए 1,594। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं इसको देखने के लिए। दोस्तों नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पीईटी ऑब्लिक पीएचटी अपीयर्ड कैंडिडेट्स कैन चेक द एडिशनल रिजल्ट नाउ। तो यहाँ पर ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिसके मैं लिंक्स आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक्स पर क्लिक करके अपनी जो रिजल्ट है उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड एडिशनल रिजल्ट मेल ऑब्लिक फीमेल, डाउनलोड नोटिस एडिशनल रिजल्ट क्लिक हेयर, डाउनलोड एडिशनल पीईटी ऑब्लिक पीएचटी रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाके आप अपने जो है वो रिजल्ट के लिए चेक कर सकते हैं। और आपके लिए अगर रिजल्ट चेक करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए फुल हेल्प करूँगा। अभी हम चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से ये इनका जो नोटिस है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ये होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं रिजल्ट फॉर पीटी ओली पीएचटी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जीडी ये मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। उसके बाद में हम चलते हैं कुछ इस तरह से नीचे। ये 3 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं भी इस पॉइंट को आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन पीईटी ऑब्लिक पीएचटी हैव बीन कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो बच्चे इस पीईटी ऑब्लिक पीएचटी में क्वालिफाई कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, उनके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की जो आपकी डेट होगी वो आपको जल्दी ही बता दी जाएगी। उसके बाद में कट ऑफ आपकी क्या होगी उसके लिए भी आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ कितनी होगी वो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिवाइज्ड कट ऑफ डिटेल्स फीमेल अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर एसएसएफ ओनली। तो यहाँ पर ये कट ऑफ दी हुई है, इसके लिए आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपके लिए अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद में यहाँ पर मेल की कट ऑफ दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर एनआईए एसएसएफ इस तरह से इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है। यहाँ पर मार्क्स हो गए, यहाँ पर आपका पार्ट वन के मार्क्स हैं, पार्ट बी के मार्क्स हैं और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है उसके पूरे डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर जाके आप अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। उसके बाद में रिवाइज कट ऑफ डिटेल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट स्टेट ऑब्लिक यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया आर एस गिवन एनेक्सर ए। तो इसके जो नोटिस का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस नोटिस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है उन्हीं युवाओं के लिए जिन्होंने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रखा है और उनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है। तो फिजिकल टेस्ट का यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों 54,953 वैकेंसीज थी टोटल। तो यहाँ पर लाखों युवाओं ने यहाँ पे जो है वो फिजिकल टेस्ट दिया होगा, जिनमें से 54,000 वैकेंसीज के लिए करीब लाखों युवा मेडिकल एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों अगर आपके लिए आपका रिजल्ट डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही इसकी मेडिकल की डेट और आपके जो है वो वेन्यू बताया जाएगा उसके हिसाब से मैं तुरंत आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे आप उस जगह पे टाइम से पहुंच सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को आपने शेयर भी कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो बड़ी खुशखबरी आई हुई है, पीईटी ओब्लिक पीएचटी का जो रिजल्ट अपलोड किया गया है 2018 में, जो 54,000 पदों के लिए वैकेंसीज थी सीआईएसएफ बीएसएफ असम राइफल दिल्ली पुलिस एसएसबी एनआईए आईटीबीपी सीआरपीएफ एटसेट्रा में, तो इनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आपकी मेडिकल की डेट कब होगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तब। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो आपके लिए मेडिकल डेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही एसएससी की वेबसाइट पर मेडिकल की डेट दी जाएगी मैं आपके लिए उसका बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।